हम फाइनली इस नतीजे पर पहुंचे कि खास तौर से इन तीनों राज्यों में, अभी छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही हूं, तो छत्तीसगढ़ में हमने ये फैसला लिया है कि वहां पर हमें अलाइंस करके, जो हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और जिस पार्टी के साथ लिया, काफी सोच विचार करने के बाद अब हमने ये फाइनली ये डिसीजन ले लिया है कि बहुजन समाज पार्टी और श्री अजीत जोगी, जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, आप इनके बारे में अच्छे प्रकार से जानते हैं, तो इनको प्रशासनिक तजर्बा भी काफ़ी है, आईएएस ये रहे हैं, सरकारी नौकरी में लंबे अरसे तक ये रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ के रहे हैं, तो इनको सरकार चलाने का अच्छा खासा तजर्बा है और सर्व समाज को ये साथ में लेकर चलते, जो हमारी पार्टी की सोच है उसके हिसाब को, उसके हिसाब से ही चलते हैं, तो उसको ध्यान में रखकर हमने, तो बहुजन, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और श्री अजीत जोगी जी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी, तो इन दो, ये दोनों पार्टियां मिलकर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगी। हमने गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ये फैसला ले लिया, इसके आज हम ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, फाइनली हमने ये डिसीजन ले लिया है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर वहां पर चुनाव लड़ेंगी। और छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, तो गठबंधन में 90 में से 35 सीटें बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और 55 सीटें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे लड़ेगी। तो ये गठबंधन, ये सीटों का बंटवारा हुआ है।